तो दोस्तों पहाड़ों में रहना इतना भी आसान नहीं होता है। ये देखो मिट्टी निकालने के लिए ऐसी ऐसी गुफाओं पे जाना पड़ता है। और ये देखो प्याज इनको इतना पसंद है ना, ऐसा कूद रहे हैं प्याज के लिए। और जैसे मुझे मतलब गोप्रो की आदत है वीडियो बनाने के लिए ना, तो फोन में अभी मुझे उतना कंफर्ट नहीं हो रहा वीडियो बनाने के लिए। तुम होला प्यारा स्वामी दिल्ली से रोमा पीछे मां कटा धरियो तब उकाले वो जाया मन कह के जोला हम। जय हो मां नारी देवी, जय हो तुंगेश्वर महादेव। तो दोस्तों आज मेरा नया फोन का सबसे पहला व्लॉग होने वाला है, तो इसी के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग, ठीक ठाक? तो सबसे पहले हमारी नारी देवी चंडिका माता की जय हो, तुंगेश्वर महादेव की जय हो, सभी पे कृपा बनी रहे। और आज रामनवमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, सब सुखी रहें, खुश रहें, मस्त रहें एकदम से। बिल्कुल, तो दोस्तों आज मेरा पहला व्लॉग होने वाला है मेरे आईफोन से। तो अभी मैं मंदिर में जाने वाली हूँ, सबसे पहले भगवान के दर्शन करने वाली हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको ना अनमोल के चूजे दिखाती हूँ। आज उसने ना मतलब और भाई लोगों के भी ला रखे हैं अपने अगल बगल से सब इकट्ठा करके। और ये देखो यहाँ पे मुछले रख रखे हैं उसने ऊपर से, वीआईपी विलेज हो गया। ये देखो कितने सारे हैं। हाँ, क्या इकट्ठा कर रहे हूँ, तीन लोग, तीन पता नहीं चारों के इकट्ठे कर रहे हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और पेटी पे क्या लिख रखा उसने, वीआईपी वाल। आ भी गया वो सामने से। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं मंदिर में और सबसे पहले आपको माँ चंडिका और तुंगेश्वर भगवान के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों मंदिर जाने का रास्ता सिंगर चाची के घर से होते हुए है, तो यहाँ पे हमें सिंगर चाची भी मिल गए। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक हो? हाँ। तो दोस्तों ये मुने से सरदार नहीं है। हाँ। ये मेरी हकीकत है, जो मैं घर में करती हूँ। हाँ। ये मुने सा लगाती हूँ, वैसा ही रहता है। ये मेरे शान है, मुने। अरे ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो में, ये घर में भी ऐसा ही रहता है। और खाने में क्या बन रहा वो दिखाओ तो जरा। खाने में दाल है, कड़ी है, देखो यहाँ पे, देखो चाची यहाँ पे पोलियो बना रही है। ये देखो ऐसा बनता है चूल्हे में और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है चूल्हे का स्वाद। तो दोस्तों आपको लाल आ जाएगी आज। और यहाँ पे हमारी दादी भी बैठी हुई है। दादी हेलो बोला, यक देखा यक। ये देखो हमारी दादी, यहाँ पे चाचा जी भी बैठे हुए हैं और कालिया भाई हेलो। तो अभी हम जाएंगे मंदिर में, वहाँ पे कीर्तन हो रहे हैं, तो कीर्तन दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का मंदिर, जो कि माँ चंडिका और तुंगेश्वर भगवान का मंदिर है। और ये मंदिर ना हमारे गांव की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। और मंदिर के पीछे साइड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हैं पहाड़ों के पुराने मकान, पठाल वाले मकान, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जय हो माँ नारी देवी, जय हो तुंगेश्वर भगवान जी। और यहाँ पे है हमारे बुड्ढा जी, जो कि यहाँ पे पूजा करते हैं। और अभी हम यहाँ पे पिठाई लगाने के लिए आ रहे हैं। ठीक हो बुड्ढा जी, ठीक छन बुड्ढा? हाँ, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। कृतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्ना कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सब पे आशीर्वाद बना रहे। और यहाँ पे हमें प्रसाद भी मिल गया बुड्ढा जी की तरफ से। ये देखो, जय हो, बिल्कुल भगवती माँ, भगवती और तुंगेश्वर महादेव की तरफ से। अभी मंदिर में भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं, माँ नारी देवी और तुंगेश्वर भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया है। तो मैं कोई भी काम शुरू करती तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेती हूँ, उसके बाद ही शुरू करती हूँ। तो अभी अच्छे से पूजा पाठ भी हो गया है और यहाँ पे सिल्ली गाँव की चाची ताई लोग आ रखे हैं कीर्तन करने के लिए, तो उनसे भी आप लोगों को मिलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूरी कीर्तन मंडली बैठी हुई है, तो सबसे मिलाती हूँ। यहाँ पे हमारी चाची लोग, ताई लोग सब बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी ताई जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोल, बोलो ताई जी। बन क्या छ? हाँ, नौ दिन व्रत छ। अच्छा, आज मैं यूँ लड़ी हुई यहाँ मंदिर में कीर्तन करना गो। हाँ। ये कोई तैयार है नहीं छे होनी की। अच्छा, तो उसने अपन लाई मैं यूँ मारी मारी। सही करो तुम, मारी मारी ले यूँ खेंच खेंच। हाँ, तो यहाँ पे पूरे ताई लोगों के, चाची लोगों के कीर्तन सुनाते हैं हम आप लोगों को। अरे यार दोस्तों, हम तो बहुत थक गए नौ दिनों से कीर्तन करते करते। अच्छा, तेरे कीर्तन में हम यहाँ पे फिर जाएंगे शाम को शाकंभरी देवी। अच्छा अच्छा, आजकल कीर्तनों में चल रहे हैं सब। बोलो नारी देवी की जय हो, जय जय, बोलो कीर्तन मंडली की जय। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, ये सब चाची लोग जितने भी बैठे ना खूब सपोर्ट करते हैं मेरे को। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो तो अपने लिए।
धन्यवाद चाची, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। हमको मिला और ये देखो मांगने वाले कितने आ रखे, एक इसको भी दे दिया अग्नि और है बेटी मांगो अब बांटते चलेंगे। सेव ना दे तो क्यों दे बस सेव ना दे तो दिन के खाने का टाइम हो गया है और अनमोल का भी इनको खाना देने का टाइम हो गया, तो क्या दिया तूने इनको दिन के खाने में? प्याज। तो ये ज्यादातर प्याज ही खाते हैं, प्याज पे ही ये लोग जिंदा है। और ये देखो प्याज इनको इतना पसंद है ना, ऐसा कूद रहे हैं प्याज के लिए। और ये उसके लिए दे अलग पपार दे। हैं? हाँ। तो वो बेचारा भी बीमार हो रखा है थोड़ा। और जो कल बीमार हो रखा था उसका क्या हुआ, चले गया? हाँ। अरे बेचारा। और इन सबको जिंदा रखने की जिम्मेदारी दे रखी है अनमोल की, मतलब सारे अगल बगल जितने भाई लोगों ने ला रखे होंगे ना, तो सब अनमोल के पास दे रखे हैं कि तुझे इनको जिंदा रखना है। अनमोल के पास पूरी टेक्निक है ना इनको जिंदा रखने की। तो ये देखो कितने सारे हो गए आज अनमोल के पास। तो दोस्तों दिन की खाने की तैयारी भी हो गई हमारी। खाने में है कढ़ी और काले चने की दाल और भात है दोस्तों। तो आप लोग भी आ जाओ भात खाने, कड़ी है घर की छांस है वो भी पियर वाली, तो आ जाओ फटाफट, हम भी निपटाते हैं। बस निपटने आई क्या? तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और अभी हम आ रखे हैं जंगल साइड में। दिखाती हूँ हम कहाँ आ रखे हैं, ये नीचे आपको दिख रहा होगा पोला गांव, पंडितों का गांव, जहाँ पे हम बहुत बार घास काटने के लिए भी आते हैं। तो अभी हम आ रखे हैं जंगल साइड घसाई लिपाई के लिए, मिट्टी लेने के लिए। तो इधर साइड लाल मिट्टी होती है ना, तो इसीलिए हम आ रखे हैं। तो यहाँ पे चाची लोग सब आ रखे हैं, ये देखो यहाँ पे बैठ रखे हैं चाची मम्मी लोग सब, मिट्टी लेने आ रखे हैं हम आज यहाँ मटगाड़ी पे। हाँ, और ये हमारी धीरे बोलने वाली चाची। हेलो दोस्तों नमस्ते, अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज हम घर की लिपाई पोताई करने के लिए मिट्टी लेने आ रखे हैं लाल वाली मिट्टी की। हाँ, और यहाँ पे सिंगर चाची यहाँ पे बसिया के फूल पकड़े हुए हैं, ये देखो दोस्तों बसिया के फूल है ये। वैसे तो तबीयत हमारी आजकल खराब है, सबके गले दर्द बुखार सब सबके। हाँ। लेकिन फिर भी दीदी वहाँ पे ऊपर मिट्टी का पता कर रही है कैसी मिट्टी है, बढ़िया माट नहीं। तो यहाँ पे ना पता कर रहे हैं कि बढ़िया मिट्टी कहाँ पे है, मतलब लाल मिट्टी चाहिए होती है घसाई लिपाई के लिए। तो बहुत जगह पे यहाँ पे आगे पूरी इस रोड पे लाल मिट्टी है, तो देखते हैं जहाँ पे ज्यादा लाल मिट्टी होगी वहाँ से मिट्टी लेके चलेंगे। तो दोस्तों पहाड़ों में रहना इतना भी आसान नहीं होता है, ये देखो मिट्टी निकालने के लिए ऐसी ऐसी गुफाओं पे जाना पड़ता है। और यहाँ पे हमारी चाची भी यहाँ से मिट्टी निकाल रही है, कैसा लग रहा है आपको वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, जब मिट्टी ले जाएंगे यहाँ से लाल वाली तभी तो घसाई लिपाई करेंगे। हाँ, सही बात है। क्या करें दोस्तों, हमारी जिंदगी यही है, पर हमें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी। अब दोस्तों हम ये भी सोचते हैं अगर हमारा ससुराल कहीं और जगह होता तो क्या करते हैं? ऐसा गाँव कहाँ मिलता हमको, हमें बहुत अच्छा लगता है अपना गाँव नारी, और यहाँ के सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं सारे, बिल्कुल। और यहाँ से झगड़ा भी करेंगे तो 2 मिनट में बात, कल को फिर एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। हाँ, और ये दोनों देवरानियों को यहाँ पे लगा रखा है और खुद यहाँ पे मजे से ये जेठानी लोग हैं जो दोनों के दोनों यहाँ से बस ऑर्डर मार रहे हैं। मैं एक गाना भी बोल रही हूँ इन दोनों पे। हाँ बोलो। तो बोलती हूँ मैं, आपको पसंद आएगा तो जरूर कमेंट में बताना। मटे खाणी माटू भले, मटे खाणिया माटू भले, मटे खाणिया माटू के बेरी ने बताई कोई ये मटगाणी को काटू के बेरी ने बताई तो मेरा गौ को बाटू, मेरा गौ को बाटू मेरा जोग जानी, जोग जानी मेरा जोग जानी। लाठी लाई मूंग भले, लाठी लाई मूंग भले, लाठी लाई मूंग सदानी पिथोणा रे तू आला बिसरी रे बुढ़े हुए मेरे बुए अरे लिरिक्स यहाँ पूछो ना हमारी चाची के पास लिरिक्स में कंफ्यूजन। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना कि सही वाली लिरिक्स क्या थी, ये दोनों के दोनों कंफ्यूज हो गए हैं।
सिधुआ वबरो सिधुआ मेरा जोग जानी जोग जानी मेरा जोग जानी। एक गाना सिंगर चाची बोलेंगे कि हमारे गांव में यही हमारी लाइफ है, यही हमारी जिंदगी है, इसी में हम खुश रहते हैं। सही बात। लोग तो बाजारों पे जाएंगे शाम के टाइम, हम अपने जंगलों की तरफ आते हैं और अपने मन को खुश रखते हैं, इसी में बहलाव करते हैं अपने मन का, तो बहुत अच्छा लगता है अपने पहाड़ में हमें। जो जितने भी बाहर जा रखे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, जिसने अभी तक वहाँ जमीन मकान नहीं ली, गलती मत करे, लायन मत करो, इधर आ जाओ पहाड़ों की तरफ। सही बात है। बस हमें तो जितना जो सुकून पहाड़ों में वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो दोस्तों पहाड़ तो देखने में सबको खूबसूरत लगते हैं और पहाड़ों के घर भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उन घरों को मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती है वो पहाड़ में रहने वाले लोग ही जानते होंगे। जैसे हम लोगों के मिट्टी के घर हैं तो उनको घसाई लिपाई करने के लिए हमको इतनी दूर आना पड़ता है मिट्टी लेने के लिए, लगभग हमारे गाँव से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, और इतना भारी बोझ करके हमको घर ले जाना पड़ता है और फिर घसाई लिपाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ना अपने गांव का खूबसूरत सा जंगल दिखाती हूँ। ये देखो चीड़ के पेड़ों से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चा के फूल है देखो, सफ़ेद सफ़ेद बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बैखनी कुसी लोग गांव पे टने बैठेगी, दारू पिछवाड़ी जो ने सने बैठी गे बह सने बैठी गे, जम मैं रात पड़ी रोलू माँ आई पति रोले अरे घसनी बिजी गेनी, आई पति रोले अरे घसनी बिजी गेनी। तो दोस्तों अभी हम जंगल से प्रस्थान करने लगे हैं घर की तरफ, और ये देखो तीनों ने कट्टे रखे हुए और एक चाची ने हमारी यहाँ पे ड्रम रखा हुआ है, सजा रहे उसमें खूब ड्रम में। कमेंट में मत बोलना कि सिंगर चाची ने थोड़ा क्यों रखा है, हमें बुखार है। दोस्तों अभी हम ले जाने हैं दोस्तों, कि ये मत बोलना खाली वीडियो ही बनाते हैं। हाँ सही बात। अपना काम भी बहुत सारा करते हैं, पर हमारा काम का कोई गुणगान नहीं रखता है, गला नहीं है हमारे काम का। दीदी पहने ये देखो दोस्तों, ये चिपक रखा है, कुमार भी चिपक गया यहाँ देखो, जो मैंने उस दिन दिखाया था बालों में लगता है। तो दोस्तों यही लाइफ है हमारी, जैसी भी है बहुत अच्छी है, सुकून है, सुकून है आपके लिए। यार दोस्तों देखो वहाँ पोला हमारा घास ले रखा है, दूसरा वहाँ एक घोड़ा जा रखा है घास वहाँ नीचे, पोला वालो तेरा सो घोड़ा कर जाइयो था घोड़ा वाले रास्ते आज। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चा के फूल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, तो मम्मी ने बोला मैं यहाँ पे एक गाना लगाती हूँ। याद आ रहा है मेरे को, मैं जहाँ पे भी मुझे गाना याद आएंगे मैं फट मोनिका बोलती हूँ वीडियो बना। तुम होला प्यारा स्वामी दिल्ली सरू माँ होला कारू कारू माँ, तुम होला प्यारा स्वामी निबन गोत का नि बने केले बोल गोत का से सर मां बने भई थी बने आ रहा है मां। हां कली का भाटा छाया बाकी बाता का छाया, पीटी मां कटा धरयो तब उकाली वो जाया, मन कह के जोला हम ते नारी का छुआ। गाना उकाली बन ओड़ा के छन बितनी की जब गाना बने छन दिखे जाले। हाँ तो वहाँ जा रखे थे हम इस रोड के छोर पे, और पूरा इतनी उकाल लेके सीधे नारी गांव की तरफ, ये देखो। तो दोस्तों फाइनली अभी पहुँच गए हैं रोड में, इतनी दूर से वहाँ जा रखे थे वहाँ पीछे सीधे, और ये देखो थकान लगे इनको, दिल भी धक धक कर रहा है इतनी चढ़ाई पे आने के बाद। हाँ और सुबह अभी हम वहीं जा रखे थे घास के लिए, सुबह भी चढ़ाई शाम को भी चढ़ाई, आज दो दो चढ़ाई लागे, वहाँ नीचे जा रखे थे ना वहाँ से लाए चढ़ाई पूरी, सुबह भी चढ़ाई शाम को भी चढ़ाई, पेपर कढ़ाई करती है, सुबह भी चढ़ाई शाम को भी चढ़ाई, पेपर हो रहे हैं कहाँ से करनी पढ़ाई। ये क्या पेपर बोल चो क्या पेपर चलो पेपर इसी बात का चल रहा है। अच्छा फॉरेस्ट गार्ड गए ना अगले महीने, इसलिए तैयारी पूरी चल रही है। तो दोस्तों मम्मी लोग तो आगे चले गए हैं और मैं आराम से आ रही थी पीछे से वीडियो बनाते बनाते, और जैसे मुझे मतलब गोप्रो की आदत है वीडियो बनाने के लिए ना, तो फ़ोन में अभी मुझे उतना कंफर्ट नहीं हो रहा वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है फ़ोन में वीडियो बनाने में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो आदत पड़ी जाएगी, तो कभी फ़ोन से बनाऊँगी कभी गोप्रो से बनाऊँगी जिसमें मुझे कम्फर्ट लगेगा। चलो ठीक है चाची जी, तब ठीक है, ठीक है दोस्तों, कल के ब्लॉग में मिलेंगे। कल के ब्लॉग में हम जरूर मिलेंगे। हाँ चाची का रास्ता ठीक आगे और हमारा ठीक नीचे, यहाँ से बट्टे बिरड़ गए हमारे। ठीक है बाय बाय। तो दोस्तों अभी हमारे रात के खाने की तैयारी भी होने लग गई है, और मैंने यहाँ पे सब्जी काट दी है और मस्त करके चूल्हे में खाना बना रहे हैं, और शीतल ने भी वहाँ पे आटा गूंद दिया है, मस्त करके बैठ रखी दीवार में बैठ रखी आराम से आटा गूंद के। तो
तो हम ज़्यादातर ना बाहर पे ही खाना बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्योंकि अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं और अंदर भी धुआं धुआं होता है, क्योंकि हमें बाहर की आदत पड़ गई तो अंदर बड़ा बेकार सा लगता है खाना बनाने में। तो दोस्तों अभी हमारा खाना भी बन गया है और अभी खाना खाने की तैयारी भी शुरू होने लगी है। तो साथ साथ में आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो व्लॉग एंड करेगी हमारी माता श्री। हेलो दोस्तों, तो हम अब व्लॉग बंद करते हैं क्योंकि अब अंधेरा भी हो गया, बाघ का भय भी है। हाँ। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, पसंद आती तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।